मैं स्कूल में पहले झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन वो काम छोड़ के मैं सोच रही हूँ कि आगे कुछ कर पाऊँ। मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पे सिलाई करती हूँ, पर सिलाई में मुझे इतना परफेक्ट नहीं मिलता जिससे मैं मेरे घर का परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने ये काम इसलिए चुना है ताकि मैं कुछ अलग कर सकूँ। इलेक्ट्रिशियन के रोजगार में अब तक सिर्फ पुरुष काबिज थे, किंतु इंदौर की समान सोसाइटी संस्था के प्रयासों से अब महिलाएं भी इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करती नजर आ रही है। संस्था द्वारा इंदौर के हवा बंगला क्षेत्र स्थित विदु नगर में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां इस वर्ष 50 महिलाओं को इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण दिए जाने का संकल्प लिया। वर्तमान में 20 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। यही नहीं, इनमें से 6 महिलाओं ने तो प्रशिक्षण प्राप्त कर फील्ड पर भी उतर गई। जी हाँ, कुंदनगर स्थित निर्माणाधीन मकान का काम भी शुरू कर दिया। यह शहर का पहला मकान होगा जिसे महिलाओं द्वारा रोशन किया जाएगा। इस मकान में दीवार पर झीरी कटाई, पाइप बिछाना, वायरिंग करना, स्विच बोर्ड लगाने से लेकर बल्ब पंखे फिट करने तक का जिम्मा महिलाओं ने उठा लिया। शायद यह इंदौर शहर का पहला निर्माणाधीन मकान ही है जिसे महिलाओं द्वारा इलेक्ट्रिशियन का पूरा काम किया जा रहा है। राजेंद्र बंधु, डायरेक्टर समान सोसाइटी। हमारा मुख्य उद्देश्य महिला पुरुष समानता का है, और हम समानता के अंतर्गत महिलाओं को उन रोजगार से जोड़ रहे हैं जिस पर अभी तक सिर्फ पुरुष ही काबिज थे। जैसे समाज में देखा गया है कि कई सारे ऐसे रोजगार हैं, जैसे मैकेनिक, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिसिटी और कई तरह के रोजगार, ये सब पुरुष ही करते हैं। हमने सोचा कि महिलाएं, खासकर समाज के कमजोर तबके की महिलाएं, वो ज़्यादातर ऐसे रोजगार में लगी रहती है जिसमें इनकम बहुत कम होती है और मेहनत ज़्यादा होती है, जैसे घरों में काम करना, सिलाई करना। तो हमारा उद्देश्य, जबकि उसी तबके के पुरुष जो है, उसी शिक्षा वर्ग के पुरुष जो है, अलग अलग तरह का टेक्निकल काम में लगे होते हैं। हमने पहली बार इंदौर में कोशिश की है कि महिलाओं को मैकेनिक के रोजगार से जोड़ें, इलेक्ट्रिशियन के रोजगार से जोड़ें, और इलेक्ट्रिशियन का शुरू किया जिसमें महिलाएं हाउस वायरिंग का काम करती है, खासकर होम उपकरण रिपेयर का काम करती है, LED बल्ब बनाने का काम करती है, इस सब काम के इसके लिए संस्था ने इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए हैं। इन ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद हम उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे या प्लेसमेंट के जरिए रोजगार से जोड़ते हैं। यदि कोई महिलाएं इन ट्रेनिंगों में शामिल होना चाहती है तो यदि मिनिमम न्यूनतम इसकी आयु सीमा 18 वर्ष है, 18 वर्ष से अधिक उम्र की कोई भी महिला इस रोजगार से जुड़ सकती है। वो निःशुल्क पूरी ट्रेनिंग है, वो समान सोसाइटी के विदुर नगर सेंटर में आकर अपना प्रवेश ले सकती है। यहाँ उसको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे ज़्यादातर ट्रेनिंग कोर्स 3 महीने के हैं। 3 महीने में हम टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनके सशक्तिकरण की ट्रेनिंग भी करते हैं। वो सशक्तिकरण ट्रेनिंग में हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करते हैं, कानूनी जानकारी ट्रेनिंग करते हैं, और साथ में उनकी मैकेनिक, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन, जिसमें वो प्रवेश लेना चाहती है, उसकी तकनीकी ट्रेनिंग करते हैं, और इसके बाद हम उसको रोजगार से जोड़ते हैं। नाम करण वास्केले, मैं समान सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनर हूँ। महिलाओं इंदौर में महिलाओं के लिए ट्रेनिंग का सेंटर विदुनगर सेंटर है। यहाँ पे इंदौर में महिलाओं को हाउस वायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें झीरी से लेके पूरी लाइट फिटिंग का कार्य सिखाया जा रहा है। उसमें मैं ट्रेनर के रूप में हूँ ताकि मैं महिलाओं को सिखाने के साथ साथ अगर कुछ समस्या आती तो उनका सॉल्व करना और सिखाने का कार्य कर रहा हूँ। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम है करण वास्केल, मैं समान सोसाइटी में ट्रेनर हूँ, इलेक्ट्रीशियन। मेरा नाम गंगा चंदेल है, मैं विदुर नगर में रहती हूँ। सर, मैं स्कूल में पहले झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन वो काम छोड़ के मैं सोच रही हूँ कि आगे कुछ कर पाऊँ और बच्चों का नाम भी, और बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, इसके कारण से मैं ये लाइट का काम करना चालू किया सर मैंने। मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने ये काम इसलिए चुना है ताकि मैं कुछ अलग कर सकूं और मेरा हस्बैंड की थोड़ी हेल्प कर सकूं। जनरली जो लेडीज़ें होती हैं वो सिलाई कढ़ाई ही करती हैं और वो उसमें ही अपना कुछ काम कर पाती, पर इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है। तो ये फील्ड ऐसी है कि इसमें अभी तक कोई लेडीज़ें नहीं आई हैं, तो इसलिए हमने सोचा है कि इस फील्ड में आगे आके हम अपनी अर्निंग भी करें और अब कुछ नाम भी करें। मैं सुनीता पाल, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पर सिलाई करती हूँ, पर सिलाई में मुझे इतना परफेक्ट नहीं मिलता जिससे मैं मेरे घर का परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ। मेरे को आगे कुछ नया करना था जिससे मुझे समान सोसाइटी से ये इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेनिंग की सूचना मिली, तो मैं यहाँ पर सीखने आई हूँ। कितने दिन हो गए सर? मेरे को हो गए यहाँ से 20-25 दिन हो गए। कितना काम सीख लिया सर? बहुत सीख लिया। कैसा लग रहा है काम? बहुत बढ़िया।
मन था कि कुछ नया करना है मेरे को,